तो अगर आप लोगों को भी इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। 4.5 रेशियो को सिलेक्ट करके ब्लैक बैकग्राउंड के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉन्ग को ले लेना है जिस सॉन्ग से आपको स्टेटस बनाना है, मतलब उस लिरिक के लिए। तो आप सबसे पहले सॉन्ग को ले लेते हैं, तो मैं वीडियो से ही सॉन्ग को ले लूँगी, ले लेती हूँ। ये वाला है तो इसको मैं ऐड कर लेती हूँ ऐसा करके। उसके बाद यहाँ ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑडियो को निकाल लेंगे। वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब आपको क्या करना है, लिरिक्स को लिख लेना। तो मैं लिरिक्स को लिख लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा जो फर्स्ट लिरिक्स है वो ये है। अब आपको क्या करना है, इसका कलर को यहाँ से वाइट कर लेना है और रॉबर्ट रेगुलर पे जाना और इसका जो फॉन्ट है वो आपको मिरिंडा बोल्ड के सिलेक्ट कर लेना। और इसके राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो ये वाला ऑप्शन है इसको ऐसे ये कर लेंगे, बीचों बीच कर लेंगे ताकि ये सही तरीके से आ जाए। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है और इसको थोड़ा सा गूगल ट्रांसफर में जाके इस वाले ऑप्शन में जाना और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे जितना आपको रखना है उतने दूर पे रख लेंगे ऐसा करके। अब आपको सुन लेना है कि आपका जो लिरिक्स है वो कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आधा दूर पे और एक जो लिरिक्स है उसको ऐड करना रहेगा। तो एक साथ एक ही लाइन को मतलब दो बार लिखना पड़े, एक ही लाइन पे जो दो लाइन करके लिखना पड़ेगा। तो इतना दूर में मेरा जो फर्स्ट लिरिक्स है वो इतने दूर पे आते हैं तो इसको इतने दूर बढ़ा लेती हूँ। उसके बाद जो सेकेंड वाला जो वर्ड होता है वो इतने दूर से स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ पे रखूँगी और ऐसे प्लस वाले आइकन पे जाऊँगी, टेक्स्ट पे जाऊँगी और यहाँ पे जो मेरा दूसरा लाइन है वो लिख लूँगी। ऐसे कर लूँगी और इसका कलर जो यहाँ से पिंक कर लूँगी, सेम वही इसका जो ये है फॉन्ट वो मिरिंडा बोल्ड रख लेना है और उसका जो इसको ऐसे बीचों बीच कर लेंगे इस वाले ऑप्शन पे आकर और इधर मूवमेंट ट्रांसफर में आना है और इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे और ऐसे करके इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाले लिरिक्स आप लिखे थे उसको मूवमेंट ट्रांसफर में जाना है, ये थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है, इतने दूर पर आना है, प्लस आइकन देना है और उसको इतने दूर पे आना है और एक प्लस आइकन देना है और फर्स्ट वाला जो प्लस आइकन है उसको ऐसे करके लेके जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड वाली की पे ऐसे आना है, की को थोड़ा इधर रख लेती हूँ इतने दूर पे और यहाँ पे आना और इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे। थ्री वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे एक की लगाना है और यहाँ पे एक की लगाना है और फर्स्ट वाले को ऐसे दूर पे लेके जाएंगे दूर पे, सेकंड वाले की को थोड़ा सा ऐसे लेके बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे भी जाना है, कॉल में जाना है और इसको ऐसे कर लेना है। आप इस कॉल वहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते थे, यहाँ वाले यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते तो वो वाला कॉपी करके। तो ये लिरिक्स जो है वो तो इतने दूर तक आता है तो यहाँ से इसको कट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का ग्रुप बना लेना है ऐसा करके, दोनों का एक ग्रुप बना लेंगे इस वाले ऑप्शन पे आके। ग्रुप बना लेने के बाद आपको क्या करना है, लेयर को सिलेक्ट करके मूवमेंट ट्रांसफर पे जाएंगे और इतने दूर पे आने के बाद
बाद ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है इस पे जाना है और यहाँ पे एक की लगाना है। उसके बाद यहाँ पे दूर पे आके एक की लगाना है। उसके थोड़ी देर यहाँ पे दूर आने के बाद थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ पे एक की लगाना है और यहाँ पे इतने दूर पे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ये वाला जो की है इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा लेंगे तो ऐसे बन जाए। और इस वाली की पे आना और इसको छोटा कर लेना है ऐसे करके, और इसको ऐसे करके लास्ट में लेके आ जाना है। और यहाँ पे एक कॉर्ड को मैच करना है ऐसे करके आपको रख लेना है। और यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ऐसे कर लेना है, सेटिंग पे जाकर सेट करना है। आपको यह करना है कि यहाँ पे जो की लगाए थे आपको नीचे पे यहाँ पे एक की लगाना है, नीचे वाले पे आना है, फिर से एक की लगाना है, फिर सेकंड वाला जो की है यहाँ पे आना है, यहाँ पे की लगाना है और इसको ऐसा करके 14 पे रख लेना है। और ये ऊपर वाला ब्राइटनेस को यहाँ से 100 कर लेना है। उसके बाद इतने दूर पर आना, यहाँ पे जो की दिख रहा है वहाँ पे की लगाना है, उसको ऐसे करके 0 पे लेके आ जाना है ऐसे करके। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पे की लगाना और इसको भी ऐसे करके 0 पे लेके आ जाना है। और इसको ऐसे करके इधर कर देना है, इसको भी ऐसे करके इधर कर देना है। यहाँ पे आके और में जाना है और इसको ऐसे कर लेना है। ऐसे कर लेना है तो यहाँ पे आना है, कॉपी कॉर्ड कर लेना है और नीचे वाले पे आना है, कॉर्ड में जाना है, यहाँ से ऐसे करके 3 वाले 3 डॉट पे जाना है और पेस्ट कॉर्ड कर देना है। इतना करने के बाद आपको फिर से इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है रॉय बोल के, तो RAY ये वाला जो इफेक्ट है उसको ऐड कर लेना है। अब आपको क्या करना है, फिर से वही ये जो की है यहाँ पे आपको एक की लगाना है, फिर नीचे वाले में आना है, फिर से एक की लगाना है, फिर से इसके नीचे में आना है, एक की लगाना है, इसके नीचे आना है और एक की लगाना है। उसके बाद आपको उसके जो सेकंड वाले की पे आना है, फिर से यहाँ पे एक की लगाना है, ऐसे करके की लगाते जाना है और यहाँ पे भी एक की लगाना है। आपको क्या करना है, ऐसे ये जो फर्स्ट वाले की पे आना है और आपको यहाँ से इसको 11 कर लेना है। उसके बाद इसके नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको ऐसे करके 0, उसके बाद इसको भी ऐसे करके 0, उसके नीचे वाले को भी ऐसा करके 0 कर लेने। उसके बाद इस वाले की पे आना है और इसको आपको 82 कर लेने ऐसे करके। उसके बाद इसके ऊपर वाले ऑप्शन पे आना और इसको आपको 1.65 करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉर्ब में जाना है और इसको ये वाला कॉर्ब को
ऐसे कर लेने हैं, और थ्री डॉट पे जाने हैं, कॉपी कार्ड कर लेना है, उसके बाद बैक आना है, नीचे वाला ऑप्शन पे जाना है, कॉपी पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, पेस्ट कॉल कर देना है, ऐसे करके सबमिट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये कैसे करके आ रहा है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, प्लस वाले आइकॉन पे जाना है और इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, और इस वाले को इफेक्ट को जो है यहाँ पे लाना है। तो देखिए आपको इस तरह से ये आएगा, तो ये कितना अच्छा दिख रहा है ऐसे। तो आपको वो यहाँ पे नहीं, मतलब अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, एलिमेंट्स में जाके आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जितने दूर तक ये जो हम लिरिक्स है उतने दूर तक आ जाना है, और इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके इतने दूर तक लेके आ जाना है। उसके बाद आपको जो सेकंड लिरिक्स है वो कैसे लिखना है, उस लेयर को कॉपी करके इस वाले ऑप्शन पे जाके कॉपी लेयर कर लेंगे, और अब वापस से इस वाले ऑप्शन पे आएंगे और पेस्ट लेयर कर देंगे, तो ऐसे आ जाएगा। एडिट टेक्स्ट पे जाना है, और आपका अगर एक ही लिरिक्स है पर का एक ही लिरिक्स है तो आपको कोई भी एक लिख लेना है, और इसको ऐसे इधर से इरेज, एक लिख लेना और एक इरेज कर देना है। तो वो मैं कुछ लिख लेती हूँ, जैसे कि इसको इरेज करती हूँ और ये रह गया है, देख सकते हैं ये है। तो बैक आना है, आप देख सकते हैं ये ऐसे करके आएगा। तो आपको सेकेंड लिरिक्स में जैसे यहाँ पे आप ये वाले टेक्स्ट लगाए हैं उसी तरह यहाँ पर वापस से जाना है, इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ जाना है। तो ये जितने दूर तक लिरिक्स है उसको इतने दूर तक लेके आ जाना है, ऐसे करके सारे लिरिक्स को लिख लेना है।